Now coming to question number 9. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल में 500 चिल्ड्रंस हैं और उनको पीटी के लिए इस मैनर में खड़े होना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आए. तो अब कितने ऐसे चिल्ड्रन होंगे जिनको हटाना पड़ेगा इस अरेंजमेंट को करने के लिए. सो हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 500. सो अब हम इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं. बाहर पुट कर लेते हैं. अब हमें 5 से छोटा नंबर लेना है, सो हम क्या लेंगे, 2. 2 टू जा 4. 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1. और यहाँ पे हम नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे. 2 में 2 को हमें क्या करना है, ऐड. सो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4. अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना है जो 100 से कम आए या 100 के इक्वल आए. सो 41 इंटू 1 तो आ जाएगा 41. देन 42 इंटू 2. 2 टू जा 4, 2 फोर जा 8. देन 43 इंटू 3. 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12. 129 तो ज़्यादा हो जाएगा तो मैं क्या लूँगी, 84. सो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 तो आ जाएगा मेरा 84. सो 100 में से 84 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16. ये क्या रहेगा मेरा, रिमाइंडर. सो अगर मैं 500 में से 16 को माइनस कर दूं, जो पीटी ड्रिल की नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो इक्वल आ जाएंगी. दैट इज 22. देयरफॉर ईच रो the number of children is 22 and left out children are 16. यहीं पे आपकी 6.4 कंप्लीट होती है और 6 चैप्टर भी कंप्लीट होता है. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.